कांगड़ा जिले के अंतर्गत मिनी सचिवालय ज्वाली के प्रवेश द्वार पर पूर्व कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती के नेतृत्व में खेल स्टेडियम का शिलान्यास 2 फरवरी 2016 को किया गया था, लेकिन आज तक स्टेडियम का कार्य शिलान्यास पट्टिका से आगे नहीं बढ़ पाया है। इस खेल स्टेडियम के बनने से नगर पंचायत ज्वाली के 9 वार्डों के बच्चों सहित अन्य पंचायतों के बच्चों को खेल का मैदान मिलना था, परंतु युवाओं का यह सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया। अभी तक इसका कार्य फाइलों में ही अटका हुआ है। कभी इसकी ड्राइंग अप्रूव करवाने की बात कही जाती है तो कभी इसके लिए भूमि कम होने का रोना रोया जाता है। हालांकि कांग्रेस कार्यकाल में ही स्टेडियम के निर्माण के लिए 60 लाख रुपए का बजट का प्रावधान कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका कार्य शुरू होना विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाली निशान लगा रहा है। बता दें कि बच्चों को खेलने के लिए ज्वाली में कहीं भी पर्याप्त मैदान नहीं है, जिससे बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। कांग्रेस सरकार ने युवाओं के हित में यहां खेल स्टेडियम बनाने की पहल की थी, लेकिन कार्य शिलान्यास से आगे नहीं बढ़ पाया। अभी सत्तासीन भाजपा सरकार ने भी 2 साल के कार्यकाल के दौरान इसका किसी मंच पर जिक्र तक नहीं किया। इलाके के खेल प्रेमियों में इस खेल स्टेडियम का कार्य शुरू न होने से कांग्रेस भाजपा के प्रति काफी रोष है। इस संबंध में SDM ज्वाली अरुण शर्मा ने कहा कि ज्वाली में खेल स्टेडियम का 2016 में शिलान्यास हुआ है, इसका निर्माण कार्य अभी तक क्यों नहीं शुरू हो पाया, इस बारे में वह PWD विभाग से जांच करेंगे। मेरे नॉलेज में है, जैसा मेरे को कहीं से पता लगा था कि इसमें ये कह रहे हैं PWD अथॉरिटीज की इनके पास बजट तो आ गया है बट इनके पास लैंड कम है, तो आज तक मेरे बारे में इस बारे में मेरे से कोई बात हुई नहीं है, बट मैं इस बारे में पूछताछ करूँगा कि है दिक्कत क्या है। अगर लैंड कम है तो जो अल्टरनेट कोई और रास्ता निकाला जा सकता है उसके बारे में इनसे बात करूँगा, और कितनी कम है उसके बारे में भी अपने रजस्व अधिकारियों से बात करूँगा कि कितनी लैंड कम है क्या है। तो जब तक ये पूरा मैटर मेरे को PWD से पता नहीं लगेगा इसके बारे में कुछ और नहीं बता सकता। ये जो खेल स्टेडियम है ये कांग्रेस के टाइम में इसका जो है शिलान्यास हुआ था, और यहाँ के लोगों की और यहाँ के जो खेल प्रेमी है, बड़े बुजुर्ग हैं हमारे या युवा वर्ग है या कोई भी हमारे साथ जुड़ा हुआ जो वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, वो चाहता था कि जहाँ पे एक मल्टी स्टेडियम बने जिससे कि लोगों को खेलों के प्रति जो है वो जागरूक किया जाए और बच्चों के खेलने के लिए भी जहाँ पे जगह बनाई जाए बढ़िया। तो इसके बनने के लिए लगभग 60 लाख के करीब जो है वो राशि PWD डिपार्टमेंट को दी हुई थी। अब कांग्रेस की सरकार चेंज होने के बाद लगभग 2 साल हो गए हैं, पर अभी तक इसके बारे में PWD विभाग ने एक भी पैसा जो है इस पर नहीं लगाया हुआ है। केवल वहाँ पे अपने उन्होंने स्टोर बनाया हुआ है और उस ज़मीन को वो यूज़ कर रहे हैं अपने कार्य के लिए। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो सरकार का पैसा है जो कि लोगों के टैक्स के द्वारा दिया गया होता है, उसको जिस पर्पज़ के लिए वो दिया गया है PWD को, उस पर्पज़ के लिए उसको लगाया जाए।